हेलो दोस्तों, स्वच्छ ग्रहणी की में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ बहुत ही काम के वीडियो। इस वीडियो में बता रही हूँ ऐसे उपयोगी टिप्स जो कि आप पहली बार देखेंगे, और इन सारे टिप्स का इस्तेमाल करने के बाद घर के काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगे। साथ ही साथ इन सारे टिप्स पर एक रुपये की खर्च नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम बिना देरी किए हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगला हैक्स है गैस चूल्हे की सफाई को लेकर। जब भी हम चूल्हे पर कोई तलने वाली चीज़ को तलते हैं, जैसे पकौड़ा पूड़ियाँ, तो कुछ तेल के छींटे गैस चूल्हे पर भी गिर जाते हैं और वो काफ़ी चिपचिपा सा दिखने लगता है। इस चिपचिपे गैस को साफ करने का बहुत बढ़िया सा इजी ट्रिक लेकर आई हूँ। हमें चाहिए पाउडर। तो दोस्तों, आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं, जो भी आपके पास बचा हो या एक्सपायरी हो, एक्सपायरी पाउडर को भी आप ले सकते हैं। तो हमने ये एक्सपायरी पाउडर ही लिया है जिसका डेट बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुका है। तो जहाँ कहीं भी चूल्हे पर तेल गिरा हो, उस सभी जगहों पर हमें पाउडर को अच्छे से छिड़क देना है। छिड़क देने के बाद इसे अच्छे से मल लेना है। आप चाहें तो हाथों से भी मल सकते हैं या कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। ड्राई पाउडर होने के कारण ये तेल को अपने में अब्सॉर्ब कर लेता है और इसमें जो भी चिपचिपापन था उसे वो ख़त्म कर देता है। आप देख सकते हैं तेल और पाउडर मिलकर कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब आगे हमें कुछ साफ कपड़ा लेकर कुछ इस तरह से हल्के हाथों से सफाई कर देना है। हमें ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इस पर, नहीं तो हमें साबुन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही सर्फ लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। जिसे हम वेस्ट समझ कर फेंक देते हैं, वो हमारी बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकी में समाधान कर देता है। जिस पाउडर को हम एक्सपायरी समझ कर फेंक देते हैं, आज देखिए वो हमारे कितने काम आ रहा है। ये चूल्हा जो है बहुत बढ़िया से क्लीन हो चुका है। अब इसमें कोई भी तेल का चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें कपड़े को थोड़ा सा भिंगाकर अच्छे से दोबारा इसे साफ कर लेना है। तो दोस्तों, ये सारे ट्रिक आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। नेक्स्ट है, जब हम अपने घरों में पूजा पाठ रखते हैं और पूजा समाप्त होने के बाद फर्श पर, टाइल्स पर कुछ इस तरह के कलर लग जाते हैं, क्योंकि हम पूजा पाठ में रोड़ी, सिंदूर, अबीर ये सारे चीज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए सफ़ेद टाइल्स में पूरा कलर लग जाता है और ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है और इसे साफ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सफ़ेद टाइल्स पर जल्दी कलर छूटते नहीं हैं। तो दोस्तों, आज के बाद आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ट्रिप अपनाइएगा, आपका यह जो कलर है वह छूट जाएगा। हमें सबसे पहले यहाँ जो सामग्री है उसे अच्छे से हटा देना है। आप देख सकते हैं इस पर कितना कलर, हल्दी का दाग सब लगा हुआ है। तो अब हमें इन दागों को करना है अच्छे से क्लीन। तो इसके लिए हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, जो सभी के घर में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर को जहाँ भी कलर लगा है फर्श पर, टाइल्स पर, वहाँ हमें बेकिंग पाउडर इस तरह से अच्छे से छिड़क देना है। कलर को बेकिंग पाउडर से ढक देना है। अब हमें चाहिए विनीगर। विनीगर भी सभी के घरों में मिल जाते हैं। अगर विनीगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने इस पर डाल दिया है विनीगर और इसे कुछ घंटों के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसे स्क्रेच बार से अच्छे से हमें रगड़कर साफ कर लेना है। अगर सफ़ेद टाइल्स है तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा हमें रगड़कर इसे सफाई करनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल ही साफ होता जा रहा है। अगर इस प्रक्रिया में एक बार में कलर चला जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा हमें हार्पिक डाल देना है। हार्पिक डालकर इसे थोड़ा सा और हमें दबाकर साफ कर लेना है। दोस्तों, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कलर लगने के बाद
हमें उसे तुरंत ही साफ कर देना है। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से अब साफ हो चुका है, कहीं भी कलर दिख नहीं रहा है। तो अब हम इसे अब कपड़े से साफ कर लेंगे। तो दोस्तों फर्श पर लगे हुए सारे कलर के दाग छूट चुके हैं। तो दोस्तों यह ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप्स में आपको लेना है सॉक्स, मोजा यानी जुराब लेना है और इसमें लगा लेनी है एक गांठ। उसके बाद सारे काम आपको चुटकियों में हो जाएंगे। पुराने मोजे को अच्छे से धोकर साफ कर लेना है। और अब हमारे पास आप देख सकते हैं ये है स्क्रेच बार स्टील वाला, जो कुछ दिनों के बाद धोते धोते यह टूटने लगता है और हाथों में चुभने भी लगता है। आप देख सकते हैं इसकी हालत कुछ इस तरह हो गई है और ये अपने आप झड़ने लगता है। तो हमें करना क्या है, मोजे में यानी जुराब में आप इसे डाल देना है। आप छोटा बड़ा कोई भी सॉक्स ले सकते हैं, उसमें हमें डालकर इस मोजे में लगा लेनी है एक गांठ। गांठ लगा लेने के बाद इसका जो स्क्रेचर था वो झड़ना बंद हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया से इसमें सेट हो जाता है। अब इसमें हमें लगा लेना है बार, और बार लगाकर बर्तनों की सफाई हम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। अब नहीं तो स्क्रेचर का झड़ने का डर है, ना हाथों में चुभने का डर है। अब इसे बर्तनों की सफाई बहुत बढ़िया से हो जाती है। इस ट्रिक को करने के बाद आप ढेरों बर्तन चुटकी में साफ कर सकते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो दोस्तों कौन सा ट्रिक्स हैक्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया या आपके काम में आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही देसी घरेलू जुगाड़ लेकर मैं आती रहूँगी। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।